तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा होस्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीईटी 2021 की कट ऑफ को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर आप सभी कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पीईटी परीक्षा 24 तारीख को हो गई थी, उसके बाद से आयोग की तरफ से आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके यहाँ पे जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं पहले के मुताबिक, क्योंकि जब आंसर की जारी नहीं हुई थी तो मैंने आपको एक वीडियो डाला था कल, जिसके अंदर आपको बताया भी था कि लगभग ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनके 87 की जगह पर नंबर थे वो 67 पे आ चुके हैं, है ना। तो ऐसा ही कुछ आप सभी को इसमें भी देखने के लिए मिला। लगातार कई छात्रों की तरफ से कहा भी जा रहा था कि सर उत्तर कुंजी जारी होने के बाद नई कट ऑफ क्या रहेगी, क्या क्या चीज़ें होंगी और किस प्रकार आप सभी के जो फॉर्मूले के आधार पर पीईटी की कट ऑफ निर्धारित की जाएगी, तमाम चीज़ों को लेकर हम कवर करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो लाइक का बटन आप दबाएं, बिल्कुल फ्री है। साथ में जिन छात्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें और एक सीट के लिए आप सभी अग्रसर होते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की एक कट ऑफ, जिसके माध्यम से आप सभी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर छात्रों के मन में सवाल है कि वो अपनी प्रिपरेशन कब से शुरू करें, कितने नंबर होने पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऐसे में पीईटी की कट ऑफ को लेकर एक आप सभी के सामने सबसे सटीक जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। अगर आपने मेरा कल वाला एक वीडियो देखा होगा, जिसके अंदर मैंने आपको जानकारी दी कि उत्तर कुंजी आने के बाद से कट ऑफ में काफ़ी गिरावट देखने के लिए मिली है, उसका रीज़न क्या है, उसका प्रूफ आप सभी को मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा। वैसे तो कल मैंने आप सभी को बहुत सारे कमेंट दिखाए थे जिन छात्रों ने मुझे बताया कि 87 उनके नंबर बन रहे थे, लेकिन जैसे ही आंसर की जारी हुई उनके 20 नंबर कम हो गए, एक बड़ी संख्या है। मैंने आप सभी से यहाँ पर पूछा था, आप सभी देख पा रहे हैं कि जो आपकी आंसर की से पहले ज़्यादातर अभ्यर्थियों का स्कोर कुछ ऐसा देखने के लिए मिला करता था जब आंसर की जारी नहीं हुई थी उन्होंने परीक्षा को दिया था। तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी छात्रों का कहना था कि 12% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 90% है, 8% ऐसे अभ्यर्थी जिनका 80 से ऊपर है, और 70% की अगर बात करें तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका 70% से ऊपर है। तो टोटल यहाँ पे देखें तो 37% ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि 70+ जा रहे थे, लेकिन अगर 60+ वाले अभ्यर्थियों को भी जोड़ दें तो 52% अभ्यर्थी ऐसे बन रहे थे जिनका स्कोर यहाँ से लगभग आप सभी देखें कि 60+ में था। तो इस कट ऑफ के बाद से ज़्यादातर छात्रों के मन में सवाल था कि सर कम कट ऑफ वाले को तो चयन होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि 38% ऐसे अभ्यर्थी निकले जिनके 50 हैं, बाकी जो नीचे अभ्यर्थी रह गए थे उनके मन में भी बहुत सारे सवाल थे। लेकिन ये जो सिनारियो था ये उत्तर कुंजी जारी होने से पहले का था, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके अंदर 52% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका स्कोर 60+ था। लेकिन जैसे ही उत्तर कुंजी आई उसके बाद क्या हुआ, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, 16 घंटे पहले मैंने आप सभी से पूछा था, तो ऐसे में आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि 45% वाले अभ्यर्थियों की संख्या 24% है, 50% वाले अभ्यर्थियों की संख्या अगर देखें तो 40% है, और जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं आप सभी के सामने 65 से ऊपर तो यहाँ पे जो संख्या वो 21% देखने के लिए मिलेगी। और सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार करने वाली चीज़ें थी, जहाँ पे हमने 90% पूछा था, 80% पूछा था, तो उसको जोड़ गई बहुत सारा परसेंटेज था, लेकिन अब जो 85% वाले अभ्यर्थी हैं उनका सही मायनों में सिर्फ 6% ऐसे अभ्यर्थी जिनका 85% है, और 75% से ऊपर अगर हम जाकर के देखें तो उनका यहाँ पे जो परसेंटेज निकल कर आता है वो लगभग 9% है, और ऐसे में 65 से ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे इन सभी का परसेंटेज आप सभी जोड़ेंगे तो 36% ही ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पे 65+ वाले हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कि आज से पहले जो अभ्यर्थी आपको बता रहे थे कि हमारे 62% आ रहे हैं, हमारे 60% है, हमारे 70-75, तो उनके 4-4, 5-5 क्वेश्चन कम हो गए, जिसके चलते उन सभी के यहाँ पे जो परसेंटेज है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई है। अब आप सभी एक अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि यहाँ पे आप सभी के लिए मैं दिखाता हूँ कि लगभग 55% वाले अभ्यर्थी और साथ में 65% वाले अभ्यर्थी, इन्हीं दोनों के बीच में लगभग 60% या 61% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 65% से लेकर
55 के बीच में नंबर बनते हुए दिखाई देते हैं और यही आप सभी के लिए अर्हता परीक्षा रखी जाती है, क्योंकि जब भी कोई परीक्षा करवाई जाती है तो उसका जो क्वालिफिकेशन मार्क्स रखा जाता है वो या तो 55 होता है या फिर 60 होता है या फिर 65 देखने के लिए मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी यहाँ पर जानती है कि इससे ज़्यादा नंबर हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी थी। कमेंट में अभ्यर्थी 100 भी लिख देते हैं, 90 भी लिख देते हैं, लेकिन वो असल में अपने फ्यूचर के साथ में मजाक कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मजाक करना कहीं ना कहीं उनको अच्छा लग सकता है, लेकिन आगामी भविष्य के अंदर क्या इस मजाक का कोई तुक निकल रहा है, कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे छात्रों को आप लोग परेशान मत हुआ करें कि जो कहते हैं कि 90 बने, 85 बने, 95 बने, हो सकता है किसी के 99 भी बन जाए, है ना, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में आप सभी एक अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि जहाँ पे हमने पहले देखा था कि 60% से ऊपर वाले के अभ्यर्थियों की जो संख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब 55 से लेकर 65 के बीच में लगभग 61% अभ्यर्थी हैं। बाकी अगर आप इससे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 75 से 85 के बीच में लगभग 15% ही अभ्यर्थी हैं, और इससे ज़्यादा हो भी नहीं सकते हैं। जैसे जैसे ये सर्वे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये आंकड़ा और नीचे चला जाएगा और ये वाला जो आंकड़ा है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप लोग इतना तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 55 से लेकर जो भी प्लस में अभ्यर्थी हैं उनके लेखपाल में बैठने की ज़्यादा संभावना है। चलिए थोड़ा सा आप सभी के लिए रफ वर्क कर लेते हैं जिससे कि आपको जानकारी अच्छे तरीके से मिल पाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी समय के अंदर लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है जिसमें लगभग 15 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा, ऐसा आयोग का कहना है, मेरा नहीं। तो इसके लिए लगभग 1,20,000 अभ्यर्थियों को यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा, है ना। लेकिन ऐसे में उन्होंने ये कहा है कि जो लेखपाल की वैकेंसी निकलेगी उसमें सभी छात्र अप्लाई करेंगे जिन्होंने पीईटी दिया है, मतलब पीईटी देने वाले सभी छात्रों को यहाँ पे आवेदन करने का मौका मिलेगा। 1,20,000 अभ्यर्थियों की जब बात की जाती है, आपने 69,000 शिक्षक भर्ती देखी होगी, उसके भी लगभग 1,46,000 अभ्यर्थी 60-65 पे क्वालिफाई हुए थे, 60-65 के ऊपर लगभग 1,46,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई हो गए थे। तो हम कह सकते हैं कि 1,20,000 के अंदर अगर इसकी जैसी कट ऑफ लगा दी जाए, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, है ना, लेकिन पीईटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। अगर यहाँ पे 60 या 65 कट ऑफ लगा दी जाए तो जो 1,20,000 अभ्यर्थी है ना, इनमें भी सीटें खाली रहने की संभावना रह जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग थी। एक सवाल आप सभी के मन में आता है, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, जब क्वालिफाइंग मार्क्स लगाया जाता है तो उसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि कई केस के अंदर हमें ऐसा देखने के लिए मिलता है। पहला केस मैंने आपको बताया था कि जिसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले छात्रों की एक कट ऑफ लगा दी जाए जैसे कि 60, और एससी एसटी वाले छात्रों की एक कट ऑफ लगा दी जाए जैसे कि 55, ठीक है, ऐसा भी एक केस देखने के लिए मिलता है। एक केस ऐसा होता है कि जनरल वाले छात्रों के लिए 60 लगा दें और ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले छात्रों के लिए 55 लगा दें और एससी एसटी वाले छात्रों के लिए यहाँ पे 52 लगा दें, ये एक दूसरा केस देखने के लिए मिलता है। तीसरे केस के अंदर क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जनरल की कट ऑफ अलग और ओबीसी एससी एसटी की कट ऑफ यहाँ पे अलग लगा दी जाए, या फिर ऐसा भी होता है कि इनकी जो कट ऑफ है वो एक लगा दें कि भाई जो 55 पे हैं वो तो यहाँ पे सभी के सभी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं और सिर्फ जनरल वाले अभ्यर्थी की कट ऑफ एक लगा दी जाए, ऐसा भी होता है। अब इन तीनों केस में से क्या होगा, इसका फैसला तो फिलहाल आयोग को लेना है। हम यहाँ बात करेंगे कट ऑफ को लेकर, क्योंकि आयोग की तरफ से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों की एक कट ऑफ होगी या फिर जनरल के साथ ही उनको खड़ा कर दिया जाएगा। कई एग्जाम के अंदर आपको ऐसा देखने के लिए मिलता भी है, तो ऐसे में फिलहाल तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको कट ऑफ बताने की। अगर आप अनरिजर्व या जनरल में से आते हैं और इतने बीच में आपका स्कोर है 58 से लेकर 63 के बीच में, तो आपको पीईटी के बाद लेखपाल भर्ती में 100% बैठने का मौका मिलेगा, जो कंडीशन बन रही है। भले ही 1,20,000 यहाँ पे क्वालिफाई किए जाएंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखा जाए, हाल ही में दिए गए सर्वे के आधार पर बहुत सारे अभ्यर्थी का जो कट ऑफ है काफ़ी ज़्यादा कम रहा है। तो ऐसे में 58 से लेकर 63 के बीच में अगर आप जनरल के अंदर हैं तो लेखपाल की तैयारी आज से शुरू कर दें और बिल्कुल इंतजार ना करें। साथ ही ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले अभ्यर्थी की हो सकता है कि कट ऑफ सेम लगा दी जाए, जैसे कि मैंने आपको ऊपर तीन केस बताए हैं, तो उसके आधार पर आप लोग समझ गए कि चलें कि 56 से लेकर 60 के बीच में आप सभी को यहाँ से बुलाया जा सकता है। और साथ ही जो पीएच एससी एसटी और साथ में फ्रीडम फाइटर वाले अभ्यर्थी आएंगे वो यहाँ पे 50 प्लस में अगर हैं तो आप सभी अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दें। बाकी कट ऑफ को लेकर जो फैसला होगा वो आयोग की तरफ से किया जाएगा,
कि आपको ओबीसी और साथी एक साथ रखा जाएगा या फिर अलग अलग, लेकिन 50 प्लस वाले अभ्यर्थियों की संभावना ज़्यादा रहेगी कि आपको इसमें बुला लिया जाए। एक्स सर्विस मैन वाले जो अभ्यर्थी होंगे वो 46 के ऊपर होंगे, उनको यहाँ पर लेखपाल भर्ती में बैठने का मौका मिल जाएगा। फिलहाल ये संभावित कट ऑफ है जो कि आपको आंसिकी के बाद देखने के लिए मिली है। कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी हुई है, भले ही यहाँ पे 15% अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कट ऑफ 70-75 पे चली जाएगी, क्योंकि इतना तो नंबर किसी छात्र के भी नहीं है नेगेटिव मार्किंग के साथ में। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताएं। जितने भी अभ्यर्थी वीडियो को देखें वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।